चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज, एक हमें कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इस कंपाउंड को अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए, ओ डबल बॉन्ड ओ और C2H5 है, ठीक है। इस कंपाउंड को अगर ध्यान से देखोगे तो दो दो हमारे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। एक है हमारा यहाँ पे डबल ऑक्सीजन से दोनों साइड अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, जिसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर, ठीक है। और दूसरे साइड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ रहे। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर और इधर भी आर, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इस्टर। क्या बोलते हैं? इस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब बात आती है सर, इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले पता लगाएंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन से फंक्शनल ग्रुप पहले आते हैं, और उस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम नोमिनिक्लेचर करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ईस्टर हमारा क्या आता है, पहले आता है इन कंपेयर टू इथर से। तो ईस्टर हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, और यहाँ पे हम ईस्टर को फंक्शनल ग्रुप मानते हुए क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। अब बात आती है सर, पेरेंट चेन की सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो ईस्टर के कार्बन को मेन चेन में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन के चेन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बात आती है सर, नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, कर दिए। अब सर नेमिंग की बात आती है, तो नेमिंग का नॉम्स होता है, सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जब हमारा इथर प्रीफिक्स सेकेंडरी की तरह लिखा जाता है तो इस पूरे पार्ट को हम लिखते हैं ओ आर ग्रुप को लिखते हैं, अगर मतलब ऐसे ग्रुप हो इथर का ओ आर ओ और यहाँ अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो, तो इसे हम लिखते हैं एल्कॉक्सी। मतलब जो भी यहाँ पे कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके लिए वर्ड रूट लिखते हैं और उसमें ओ एक्स वाई जोड़ देते हैं, ठीक है। सिमिलर ईस्टर के जो ऑक्सीजन के साइड में अल्काइल ग्रुप लगता है उसे हम लिखते हैं अल्काइल। क्या लिखते हैं? कार्बन चेन को अल्काइल लिखते हैं, ठीक है। तो आईयूपीएसी नॉर्म्स में प्रीफिक्स सेकेंडरी में हम सबसे पहले ईस्टर वाले को लिख देंगे, दो कार्बन है तो इसे लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल, ठीक है। फिर हम दूसरा हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी है, देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो इसे लिखेंगे किस पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन पे लिखेंगे, चौथे पोजीशन पे मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे जी? मिथॉक्सी लिखेंगे। फिर अब हमारा कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी बचा नहीं, दो था दोनों को लिख दिए। प्रीफिक्स प्राइमरी कोई हमारा साइक्लो बाई साइक्लो स्पैरो कंपाउंड है नहीं, छोड़ देंगे। बात आती है वर्ड रूट का, तो वर्ड रूट हमारा टोटल के टोटल चार कार्बन है, तो इसके लिए यूज करेंगे ब्यूट, और सभी के सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए लिखेंगे AnE। अब बात आती है सफिक्स सेकेंडरी, तो ईस्टर के लिए हम सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं OATE, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे OATE। अब देखिए अगर ई के जस्ट बाद नेमिंग में ए आई ओ यू और वाई आए तो ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, तो यहां से ई को हटा देंगे तो क्या नाम आ जाएगा, इथाइल फोर मिथॉक्सी ब्यूट एन ओएट, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन वन में थ्री मिथॉक्सी लिखा है, नहीं लिखेंगे वो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में लिखा है इथाइल इथाइल फोर मिथॉक्सी फोर मिथॉक्सी ब्यूट एन ओ एट ब्यूट एन ओ एट, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, ठीक है।